हाँ जी दोस्तों, सेना के अंदर क्या होता है हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर 3 लाख रुपए रिश्वत से मेडिकली अनफिट बंदा फिट हो जाता है। दाल कैसे पतली होती है, यानी राशन में किस तरह घोटाला होता है, पेंशन के लिए किस तरह दौड़ाया जाता है, किस तरह एक जवान घूमता रहता है। हमको तो सब पता है कि सेना में होता क्या है, हमको सब पता है। हम बोलना शुरू करें कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है। कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है। 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा। हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है। हम बताएंगे जो रिटायरमेंट जब हो जाता है तो किस तरीके से पेंशन लेने में उनको दोहराया जाता है। हम बताएंगे कि कैसे जो वहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है, कि कैसे अगर आप सिपाही हैं और ऑफिसर हैं तो आपका कैंटीन से सामान लेने का कोटा अलग अलग होता है। हम बताएंगे कि कैसे लोगों को कठिन ड्यूटी दी जाती है, कैसे लोगों को आसान ड्यूटी दी जाती है। कैंटीन में जवानों और अफसरों में कितना बड़ा भेदभाव है, किसको कितना सामान मिलता है, क्या कोटा मिलता है, कौन सी ड्यूटी है, ड्यूटी में भाईबंदी होती है उन्होंने जरूर कहा है, यानी सारी चीजों में कैटेगरी सिपाही अफसर की अलग अलग, और ड्यूटीज में भाईबंदी हमें सब पता, हमें मत बताइए सेना में। और ये हैं भविष्य के नेता और आज के नेता, और इनका नाम है कन्हैया कुमार। हाँ जी दोस्तों, ये दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और जबरदस्त सेना के अंदर की ये पोल खोल रहे हैं। इस पर हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे सीनियर अफसर कह रहे हैं कम से कम ऐसी बातें, जब आप सेना के अंदर आपने एक दिन रोटी नहीं खाई है, एक दिन आपने नौकरी नहीं किया, बाहरी बातों से आप एक जिम्मेदार अभी आप नेता हो और कांग्रेस पार्टी के हो, आगे आपको पद मिलेगा, लेकिन इस तरह की बातें के ऊपर आपको क्या तथ्य हैं। तो उन्होंने बड़ा जोरदारी से कहा है कि जब कोई मेडिकली अंगुली टेढ़ी है या हम बिल्कुल फिट हैं और डॉक्टर आपको अनफिट कर देगा और 3 लाख मांगेगा, हम दे देंगे और हम फिट हो जाएंगे। और दाल पतली के वाले कहा कि फौज के अंदर कैसा खाना होता है, कैसा पीना होता है, राशन है, उसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कैंटीन सुविधा के ऊपर सवाल उठाए कि अफसरों को किस तरह ज़्यादा सामान मिलता है और किस तरह सहूलियतें होती हैं, ये होता है। और भेदभाव के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जब कोई बंदा पेंशन जाता है तो उसके लिए कैसे दौड़ाया जाता है, कहाँ कहाँ परेशानी होती है उसको, रिकॉर्ड पीसीडीए सब जगह उन्होंने शायद इनका कोई होगा फौज में, उन्होंने बताया होगा। कैंटीन के अंदर कोटा अलग अलग है, ड्यूटीज के अंदर कितनी भाईबंदी होती है, बोला हम बताएं, और किस लहजे में बोल रहे हैं। ये इनका वीडियो जब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे सेना के बहुत सारे सीनियर अधिकारी बोले इस तरीके की बातें करना बहुत हल्की बात है, और इनके लिए हमारे आर्मी ट्विटर के ऊपर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, यानी सेना के अंदर क्या ऐसा है या नहीं है, या ये सारे पुराने जमाने की बातें जब दाल पतली होती थी। कन्हैया कुमार जी, सेना का खाना आज भी जबरदस्त खाना है और जबरदस्त तरीका है, ठीक है। सिस्टम में कुछ, हर एक सिस्टम में खामियां होती हैं, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में तो अनेकों खामियां ही खामियां हैं। आप अपने पुलिस विभाग को सुधारिए, आप अपने शिक्षा को सुधारिए, आप अपना चिकित्सा को सुधारिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज नेता सिर्फ और सिर्फ सेना की तरफ भाग रहे हैं, सेना की तरफ अग्नि कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर को लेकर कह रहा हो या सेना के अंदर किसी न किसी बात को लेकर कह रहा हो। तमाम इस चुनाव में लगभग ये चीजें बहुत ज्यादा फोकस रही, और आपने देखा होगा बनरिंग बन पेंशन की भी कोई बात कहता है, कोई डिसेबिलिटी पेंशन की बात कहता है, कोई एमएसपी की बात कहता है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल जाकर के अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उगल दी हैं, उगल कहते ना बाहर से निकाल दी, जैसे और जिस लहजे में कह रहे हैं जैसे कि इन्हें बहुत सारा पता है। शायद आपका क्या राय है, आप क्या कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद। हमको तो सब पता है कि सेना में होता क्या है, हमको सब पता है। हम बोलना शुरू करें कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है। कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है। 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा। हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है। हम बताएंगे जो रिटायरमेंट जब हो जाता है तो किस तरीके से पेंशन लेने में उनको दोहराया जाता है। हम बताएंगे कि कैसे जो वहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है, कि कैसे अगर आप सिपाही हैं और ऑफिसर हैं तो आपका कैंटीन से सामान लेने का कोटा अलग अलग होता है। हम बताएंगे कि कैसे लोगों को कठिन ड्यूटी दी जाती है, कैसे लोगों को आसान ड्यूटी दी जाती है। पकड़ लिया कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो तो कैंडिडेट है। ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है। गुंडा की भाषा बोलता है, किसानों को सबक सिखाने की बात करता है, उसका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है।